नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर गौवंश का अपराधकारित करने वाले चार अपराधियों के विरुद्ध गोला थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि गैंग बनाकर गौवंश का अपराधकारित करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर जावेद आलम पुत्र नियाज अहमद व सह अभियुक्त हिसामुद्दीन मोबीन व वसीम अहमद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, जनपद गोरखपुर में SSP सर के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना गोला पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। इस गैंगस्टर एक्ट के सभी अभियुक्तों पर पूर्व में गोवंश की तस्करी के काफी अभियोग पंजीकृत है और नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गैंग चार्ट के अनुमोदन के उपरांत यह मुकदमा थाना गोला पर पंजीकृत किया गया है। इस अधिनियम में जितने भी अभियुक्त हैं उन सबकी जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसको भी चिन्हित करके जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी और अब इसमें थाना गोला पर अग्रिम विधि कार्यवाही की जाएगी।